फाइनली दिल्ली NCR में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। क्या जितने भी ट्रेन चल रहे हैं ट्रेन भी कैंसिल होंगे, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कोरोना लगातार काफी तेजी से बढ़ रहा है। सबसे पहले मुंबई में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, पूरे इंडिया की बात किया जाए तो 1 लाख पर रहे कोरोना केस सामने आ रहे हैं। इसी बीच देखते हुए सबसे पहले मुंबई के गवर्नमेंट ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया, जो संपूर्ण लॉकडाउन कह सकते हैं सोमवार शनिवार और रविवार को। इसके बाद सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कर्फ्यू 8 बजे शाम से लेकर 8 बजे सुबह तक लगा दिया गया था। इसके बाद मुंबई के बाद नंबर आ चुका है दिल्ली का। तो दिल्ली में आज से रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसी बीच में आप लोगों को एक सवाल जरूर होगा, क्या जो जितने भी दिल्ली में लोकल ट्रेन चल रहे हैं ट्रेन कैंसिल होगा या फिर नहीं होगा? तो अभी रेलवे की तरफ से कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है ट्रेन को लेकर। जैसे ही रेलवे की तरफ से कुछ लोकल ट्रेन या फिर स्पेशल ट्रेन के बारे में कुछ भी न्यू अपडेट आता है तो आप लोगों के सामने इसी चैनल पे बता दूंगा। तो इस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि रेलवे से जितने भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे तो इसी चैनल पे अपडेट किया जाएगा। दरअसल में दिल्ली NCR में नाइट कर्फ्यू इसलिए लगाया जा रहा था क्योंकि यहाँ पे कोरोना का नियम का उल्लंघन कर रहा था, काफ़ी लोग कर रहे थे। क्लब हो गए, इसके बाद बस हो गए, ट्रेन हो गया, इसमें कुछ गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा था। इसी दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो देखते हैं इसके बाद 30 अप्रैल के बाद पता चलेगा इंडिया में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा या फिर नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि स्थिति के देखते हुए यह फैसला लिया जाएगा। फिलहाल में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो